दोस्तों इस टॉपिक पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे बना के डाली हुई है, जिसमें कि आपको ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है। जब भी आप अपना जो कि पेटीएम पेमेंट बैंक ओपन कर रहे हो तो आपको यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही होगी। जैसे आप इस पर क्लिक करते होगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आ रहा है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले से ऑलरेडी बना के रखी हुई है। अब दोस्तों काफ़ी लोग का जो कि मतलब मैसेज आ रहा है, कमेंट आ रहा है कि भाई या फिर आप लोग जो वीडियो बताया है वो चालू नहीं हो रहा, यानी कि ओपन नहीं हो रहा पेटीएम पेमेंट बैंक, हमको ये दिक्कत देखने के लिए मिल रही है। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इंटरेस्ट। पेटीएम पेमेंट बैंक इज टेम्पररीली नॉट ओपनिंग न्यू अकाउंट, वी विल नोटिफाई यू वंस वी आर रेडी। इसका मतलब दोस्तों मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, लेकिन काफ़ी लोग कह रहे हैं कि आपको पता नहीं है या फिर कैसे ओपन होगा, बहुत ही परेशान है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने उस वीडियो में यहाँ पे पेटीएम को भी मतलब मैसेज किया था, लेकिन यहाँ पे जो पेटीएम पेमेंट बैंक है वो ओपन नहीं हो पाया। तो कैसे हम करेंगे उसके बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना दोस्तों, बहुत ही खास वीडियो है और इसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आपको यहाँ पे मतलब अप्लाई करना होगा पेटीएम पेमेंट बैंक के लिए। अब दोस्तों आपको जो है पेटीएम को बताना होगा कि आप जो अकाउंट है वो न्यू नहीं है, आप काफ़ी दिन से इस अकाउंट में काम कर रहे हो। इसके लिए दोस्तों आपको करना ये होगा कि आपको सबसे पहले किसी से भी यहाँ पे अपने पेटीएम पे जो कि यहाँ पे कुछ पैसे ट्रांसफ़र करवाने होंगे। आप यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो या फिर मतलब कि कोई भी अकाउंट ऐड करके सिर्फ प्राइमरी में ऐड कर लो, सिर्फ यहाँ पे जो पैसा है वो ट्रांसफ़र करवा लो, 1 रुपया 10 रुपये कुछ भी यहाँ पर ट्रांसफ़र करवा लेना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको वापस से आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद अपना जो कि नोट पैड ओपन करना है। दोस्तों नोट पैड ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ लिखना है जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। दोस्तों जो मैंने लिखा हुआ है, हेलो सर, सर माई पेटीएम पेमेंट बैंक इज़ नॉट ओपन, वाई प्लीज़ हेल्प मी, माई अकाउंट इज़ ओल्ड एंड एक्सपीरियंस फॉर यूजिंग पेटीएम वॉलेट। तो कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पे लिख लेना है, कुछ एक टाइटल चाहिए दोस्तों। यहाँ पे आपको डिस्कशन बनाना है कि आपकी जो प्रॉब्लम आ रही है कि कैसे आप जो ओपन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आपको पूरा इस तरीके से आपको लिख लेना है बड़ा सा। करीब यहाँ पे आप 5-6 लाइन यहाँ पे लिख के उसके बाद इस पर टैप करके यहाँ पे आप पूरा जितने भी आप लोगों ने लिखा है सबको क्लिक करके कॉपी कर लेना, ठीक है दोस्तों, कॉपी कर लेना। अब कॉपी कर लेने के बाद अब आपको कहाँ आना है, आपको आना है दोस्तों यहाँ पे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे, या फिर अगर आपके मोबाइल में ट्विटर एप्लीकेशन है तो वहाँ पे आप चले जाना, कहीं पर भी जाना। उसके बाद जैसे मान लो हम यहाँ पे इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम पे आने के बाद सर्च पे गए, यहाँ पे हम लोगों ने सर्च किया पेटीएम। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों सर्च करेंगे पेटीएम, जो पेटीएम का ऑफिशियल यहाँ पे अकाउंट है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। 4.1 मिलियन यहाँ पे फॉलोअर इनके हैं, जो जिससे ब्लू टिक लगी होगी। उसके बाद अंदर आना है आपको, यहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक करके एक और अकाउंट मिल जाएगा जिस पर कम फॉलोअर होंगे। मैसेज वाले ऑप्शन पर आपको जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर जो मैसेज आपने टाइप किया था उसको यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर सेंड कर देना है, ठीक है दोस्तों। जैसे ही आप सेंड करोगे तो उनके पास ये मैसेज पहुँचेगा और वो इस मैसेज का रिप्लाई देंगे। उसके बाद हो सकता तो ये आपसे बात भी करें, तो यहाँ से आपको पूरा डिटेल्स बताना है कि सर मेरा ये नंबर है, मैंने ये अकाउंट बनाया है, लेकिन फिर पेमेंट पेटीएम पेमेंट बैंक ओपन नहीं हो रहा है, सिर्फ यही आ रहा है। और जो आपका जो थैंक्स फॉर वाला दोस्तों जो दिखा रहा है ना, उसका एक स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे आप इनको सेंड कर दीजिएगा कि यही प्रॉब्लम सर आ रही है और अभी तक मेरा जो अकाउंट है वो चालू नहीं हो रहा है। ऐसे यहाँ पे आपको मैसेज कर देना है इंस्टाग्राम पे, सेम कंडीशन यहाँ पे आपको अप्लाई करना है फेसबुक पे जाके। फेसबुक पे आप आएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे पेटीएम पेमेंट बैंक या फिर पेटीएम जो भी आपको यहाँ पे लिखेंगे ना, तो आपके सामने ये पेटीएम पेमेंट बैंक का फाइनेंशियल सर्विस आ जाएगी, ऑफिशियल अकाउंट है। इस पर भी जाके आपको वैसे सेम मैसेज कर देना है, या फिर आप एक पोस्ट कर सकते हो उस पर यहाँ पे इनको मेंशन कर देना। तो यहाँ पे आप मैसेज पे क्लिक कर देना, वही वाला मैसेज यहाँ सेम पेस्ट करके यहाँ पे सेंड कर देना, उनके पास पहुँच जाएगा और वो जल्दी जल्दी आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे और जो आपकी प्रॉब्लम आ रही है वो 100% सॉल्व हो जाएगी। और वापस से बैक जब आप अपने पेटीएम में आओगे तो आपको जो कि यहाँ पे ऊपर एक नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगी, जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर जो पेटीएम पेमेंट बैंक है वो ओपन हो जाएगा। अगर ये नहीं हो रहा इसके बावजूद भी तो फिर आप कमेंट करेंगे तो इसके ऊपर फिर से एक वीडियो आएगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, ऐसे वीडियो आपको आगे मिलती रहेगी।